उत्तर प्रदेश का नौजवान हमारे इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्री के साथ जुड़ सके, इसके लिए उस प्रकार की स्किल डेवलपमेंट के सेंटर खोलना। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ हम लोगों ने एमओयू किया है, इस पर भी हम लोग लगभग एक बड़ी धनराशि खर्च करने जा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ा सकें। 273 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस मद में उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे स्किल डेवलपमेंट के बेहतरीन सेंटर हमारे आईटीआई बन सकें, आज के दौर के ट्रेड उस पर हम दे सकें, लोगों को इसके साथ जोड़ सकें, विकास की इस प्रक्रिया के साथ हम आगे बढ़ सकें। इस प्रक्रिया के साथ जोड़ने की कार्रवाई हो रही है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के बारे में, बच्चों के बारे में अच्छी शिक्षा उन्हें दी जा सकती है, तकनीक का उपयोग उसमें कैसे किया जा सकता है, इसके माध्यम से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए, और साथ साथ माध्यमिक में नकल विहीन परीक्षा संपन्न करना इस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश के युवा को कहीं पे हाथ फैलाने की नौबत ना आने पाए, इसके लिए उत्तर प्रदेश के नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे, और इस दिशा से राज्य सरकार ने इस व्यवस्था, इसके लिए सर्विलांस और ट्रैकिंग, जीपीएस ट्रैकिंग, परीक्षा केंद्रों के सर्विलांस और उसके निगरानी तथा नकल विहीन परीक्षा के लिए भी सीसीटीवी कैमरे आदि की व्यवस्था के लिए भी हम लोग यहां पर व्यवस्था करने जा रहे हैं।